तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रिव्यू पे। और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ ना, उस मूवी का नाम है नानू रावड़ी धान। और इस मूवी का हिंदी डब वर्जन में नाम रखा गया है बंडलबाज। और ये विजय सेतुपति की एकदम नई मूवी है जो अब यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये एक तरह से वन टाइम वॉच फिल्म है। और इस मूवी का जॉनर है एक्शन और रोमांस। और इस मूवी को IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। और गूगल यूजर ने इसे 94% के लाइक्स दिए आउट ऑफ 100। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विघ्नेश शिवन ने, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट करने का तरीका ना एक तरह से यूनिक लगा मुझे। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे नयनतारा, विजय सेतुपति और RJ बालाजी। इस मूवी के अगर प्लॉट के बारे में बात करें ना, तो इस मूवी में जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर है वो एक तरह से पुलिस वालों को ज्यादा ना प्योरिटी देके एक गुंडे को प्योरिटी देता है। और वो क्यों देता है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी में विजय सेतुपति का नाम एक पांडे है। विजय सेतुपति की माँ एक पुलिस ऑफिसर है। और इस मूवी में नयनतारा का नाम कंदावरी है, जिसके पापा पुलिस में है और लेकिन वो हाल ही में रिटायर होने वाले। और वो अपना पुराना घर एक गुंडे की वजह से छोड़ देते हैं। और जब वो वापस अपने पुराने घर में जाते हैं तो उसके पापा ठान लेते हैं कि मुझे इसको मारना है। और वो कहीं चले जाते हैं 3-4 दिन के लिए। और इसी बीच विजय सेतुपति और नयनतारा का आपस में प्यार हो जाता है। और इसमें नयनतारा बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा कि मेरे पिता को जिसने मारा है उसको मारना पड़ेगा और मुझे तुम्हारी उसमें हेल्प चाहिए। और कैसे वो कल्लू कालियों को मारते हैं आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी में जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर है ना, वो एक तरह से स्किल्स इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि इस मूवी में ना वो एक अच्छा पुलिस वाला बन सकता है और ना एक अच्छा गैंगस्टर बन सकता है, लेकिन वो फिर भी गैंगस्टर बनने की कोशिश करता है, एक भाई बनने की कोशिश करता है। और कैसे ट्रेनिंग भी लेता है कि बंदों को कैसे मारा जाता है आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। और एक तरह से ये मूवी एक वन टाइम वॉच फिल्म है। और इस मूवी के अगर बेस्ट सीन के बारे में बात करो ना, तो इस मूवी में जब विजय सेतुपति कल्लू कालिया को मारने के लिए प्लान बनाता है कि मैं उसे ऐसे पकड़ूंगा, तो वहां पे बोलते कि हम ब्लूटूथ से बात करें। और इसमें जो नयनतारा है वो एक तरह से बहरी है, जो सुन नहीं सकती, सिर्फ होठ पढ़ सकती है। और जो एक दोस्त होता है जो सबको ब्लूटूथ दे रहा होता है कि हम ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेंगे, नयनतारा बोलती है कि मुझे भी एक दो, तो उसमें उसका दोस्त बोलता है ये इयररिंग नहीं है, तो उसमें विजय सेतु बोलता है दे मैं एक पहनाऊं, तो एक उसको पहनाते हैं, तो उसका दोस्त बोलता है क्या भाई आज के टाइम में प्यार एक अजीब है। और विजय सेतुपति नयनतारा को कहता है कि सुना इधर है, बोल रहा हाँ आंखों से दिख रहा है। तो इस मूवी का एक तरह से बेस्ट सीन लगा मुझे। और इस मूवी के अगर एक और सीन के बारे में बात करूं, जब नयनतारा को कुछ गुंडे लोग पकड़ ले जाते हैं और उनको छुड़वाने के लिए जब विजय सेतुपति वहां जाता है और गुंडा उसे 10 लाख की डिमांड करता है और वो 5 मिनट में 10 लाख रुपए ले आता है अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों को छुड़वाने के लिए, भाई इस मूवी का एक तरह से बेस्ट सीन लगा। क्योंकि भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्तों के लिए भाई एक तरह से दोस्तों की कैसे लगाता है आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और इस मूवी में कॉमेडी अच्छी की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में भाई कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपके लिए साउथ की नई नई मूवियों का रिव्यू लाता रहूंगा, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।